हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको ओडिया बहु यूट्यूब चैनल रे स्वागत करू छी। फ्रेंड्स, महाभारत ग्रंथ रे मनुष्य को भोजन करबा समय रे किछि बहु जरूरी नियम विषय रे कहा जाय छी। जदि कोनोसी मनुष्य एही नियम रो पालन करी भोजन करिवो त से आरोग्य सहित सुख समृद्धि वैभव रो प्राप्ति होइथाय। शास्त्र रे कहा जायतिबा एही नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रे मध्य परिपूर्ण। एही प्रकार भोजन करिबा द्वारा मनुष्य सबो देवी देवतांकर आशीर्वाद प्राप्त करिथाय। आपण माने भी भोजन करिबा समय रे एही नियम को अवश्य पालन करंतु। तो आसंतु जानिबा सेही नियम गुड़ी को कोन। आपण देखुछंती ओडिया बहु यूट्यूब चैनल। जदि आपण आम चैनल रे नुआ आसीछंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करी बेल रो आइकन को प्रेस करी नियंतु। कारण भक्ति रे ही असली शक्ति रही थाए। आउ एही भली भक्ति वीडियो सर्वप्रथमे आपण आम चैनल रे पाई परिबे। प्रथम कथा, भोजन करिबा आगरु पाद हात मुख को भल भाबरे धोईकी भोजन करिबा उचित। भोजन आगरु अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा माताक स्तुति बोली तांको धन्यवाद दे सबो भुकिला प्राणी को भोजन प्राप्त हेउ बोली ईश्वर को प्रार्थना करी भोजन आरंभ करिबा उचित। भोजन बनाउथिबा महिला को स्नान करी शुद्ध मनरे मंत्र जप करी रोसेई घरे भोजन तयारी करिबा उचित। सर्वप्रथमे तीनोटी रुटी गोटे गाई पई गोटे कुकुर पई एवं काऊ पई अलगा तयारी करी सारी अग्नि देवंकु भोग लगाई सारी घर लोकंकु खाइबाकु देबा उचित। भोजन रोसेई घरे बसी समस्तंक सहित करंतु। चेष्टा करंतु परिवारर सबु सदस्यंक सहित मिसी बसिकी भोजन करिबा पई। नियम अनुसार अलगा अलगा भोजन करिबा द्वारा परिवारर सदस्यंक भितरे प्रेम एकता रहे नाही। द्वितीय कथा, भोजन समय सकाळ एवं संध्या समय अटे। कारण पाचन क्रियार जटिल अग्नि सूर्यदेवंक उदयर 2 घंटा परे एवं सूर्यास्त हेबार अध घंटा आगरु रही थाए। जेउ व्यक्ति गोटे थर भोजन करे से जोगी एवं जेउ व्यक्ति दुई थर भोजन करे ताकु भोगी बोली कुहा जाए। तृतीय कथा, भोजन करिबार दिग। भोजन पूर्व एवं उत्तर दिग को मुख करी करिबा उचित। दक्षिण दिग को मुख करी भोजन करिबा द्वारा एहा प्रेत को प्राप्त होई थाए। पश्चिम दिगरे करा जाइतिबा भोजन रोग सृष्टि करी थाए। चतुर्थ कथा, एही परी अवस्थारे भोजन करंतु नाही। खट उपरे बसी अर्थात सर्जा उपरे बसी किंबा हातरे धरी किंबा भांगी जाइतिबा बासनरे भोजन न करिबा उचित। कलह किंबा दुख जागारे मध्य भोजन करिबा अनुचित माना जाए। बरगछ एवं अशोगछ मूलरे बसी भोजन करिबा उचित नुहे। परसा जाइतिबा भोजनर केबे भी निंदा करंतु नाही। ठिया होई भोजन करिबा भी अनुचित। जूता पिंधिकी मध्य भोजन करिबा अनुचित अटे। फ्रेंड्स, एबे आसंतु जानिबा भोजन किपरि हेबा दरकार। बहुत राग किंबा बहुत मीठा भोजन करिबा उचित नुहे। काहा द्वारा छोड़े जाइतिबा भोजन भी करिबा उचित नुहे। अधा खाइथिबा फल मीठा खाइबा उचित नुहे। खाद्य छाड़िकी उठिबा परे द्वितीय रे भोजन करिबा उचित नुहे। जे कोनोसी भी लोक पार्टी करी खाइबा को देउथिले सेठा को जाई केबे भी भोजन करंतु नाही। पशु किंबा कुकुर छुईथिबा भोजन को केबे भी ग्रहण करंतु नाही। रजस्वला स्त्री द्वारा परसा जाइथिबा भोजन मध्य करंतु नाही। श्राद्ध घरे बड़का रहिथिबा बासी खाद्य भोजन करिबा अनुचित। बाळ पड़िथिबा खाद्य भोजन मध्य करंतु नाही। अनादार युक्त परसा जाइथिबा भोजन केबे मध्य करंतु नाही। कंजूस द्वारा किंबा बेस्या धंदा करूथिबा व्यक्ति द्वारा भोजन करंतु नाही। षष्ठ कथा, भोजन करिबा समय रे मौन रहंतु। रात्रि समय रे पेट भरा खांतु नाही। भोजन करिबा समय रे बोलिबा आवश्यक किंतु सकारात्मक कथा कहंतु। भोजन करिबा समय रे कोनसी प्रकार समस्या विषय रे चर्चा करंतु नाही। भोजन को चोबेके खांतु। सर्वप्रथमे मीठा घरे नमकीन एवं अंतरे कड़वा खांतु। कम भोजन करूथिबा लोकंकु आरोग्य आयु बल सुख सुंदर संतान सौंदर्य प्राप्त होइथाय। सप्तम कथा, भोजन परे कौन करिबा अनुचित। भोजन परे तुरंत पानी किंबा चा पीबा अनुचित। भोजन परे दौड़िबा बसिबा भाबिबा प्रकार कार्य करंतु नाही। भोजन परे कौन करिबे,
दिनरे भोजन करिबा परे चालिबा उचित। रात्रिरे वज्रासनर बसिबा द्वारा भोजनर प्राचन क्रिया भल होइथाय। भोजनर एक घंटा परे मीठा क्षीर फल खाइबा द्वारा पाचन क्रिया भल भाबरे होइथाय। भीष्म पितामह अर्जुन को देइथिबा महत्वपूर्ण संदेश रे कुहा जाइथिला कि जेउ थाली को कहार जदि पाद बाजी जाए तो सही थाली को त्याग करिबा उचित। एहिपरि थाली विश्व समान होइथाय। भीष्म पितामह कुहंती कि बाल बाहरिबा थाली को छाड़ी देबा उचित। बाल बाहरिबा परे मध्य ताको भोजन कले दरिद्रतार सामना करिबा को पड़े। भोजन करुथिबा थाली को जदि के डेई के जाए तो ताको मध्य छाड़ी देबा उचित। भीष्म पितामह अर्जुन को कहिथिले कि गोटे थाली रे जदि भाई भाई भोजन करंती तो ताहा अमृत समान होई जाए। एहिपरि भोजन रे धन स्वास्थ्य लक्ष्मी प्राप्ति होइथाय। भीष्म पितामह का अनुसार पति पत्नी को गोटे थाली रे भोजन करिबा निषेध अटे। भीष्म पितामह का अनुसार गोटे थाली रे पति पत्नी भोजन करंती तो एहिपरि थाली मादक पदार्थ रे भरी जाए। पत्नी को पति भोजन कला परे ही भोजन करिबा उचित। एहिपरि घरे सुख समृद्धि बढ़ी थाए। तो फ्रेंड्स यहाँ किसी महत्वपूर्ण कथा जहाँ को महाभारत कहा जाइला।